नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 19 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो केसीसी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आप सोचते हैं वीडियो को लास्ट में लाइक करेंगे, बट आप लास्ट में लाइक करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को तब्दला कर किसका राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गोवा के राज्यपाल कौन, गोवा के भूतपूर्व राज्यपाल कौन सत्यपाल मलिक, जो कि उनका तब्दला कर दिया गया। अब वो कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो मेघालय का राज्यपाल कौन है, तो सत्यपाल मलिक है। ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। गोवा के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक थे, उनको अब कहाँ के लिए नियुक्त किया गया है, तो मेघालय के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबर कीता को हिरासत में ले लिया, जिसके कारण देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, माली देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबर कीता को हिरासत में ले लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किस कंपनी ने दिसंबर तक 222 करोड़ रुपए राइट्स खरीदे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ड्रीम इलेवन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है, क्या नाम है उनका, अशोक लवासा। क्या नाम है, अशोक लवासा ने निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक रूप से किसे राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जो बिडेन को नामित किया डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार चैंपियनशिप लीग के फाइनल में जगह बनाई है, किसने बनाई है, पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी ने फाइनल में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दुनिया भर में आज के दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, यानी 19 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, 27,67,273, जिसमें कि 52,889 लोगों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस अभिनेता मौत की जांच के सीबीआई के हाथों में सौंपने का आदेश दिया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उसकी जांच के लिए सीबीआई को केस सौंपा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर का नाम खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा। दोस्तों, ये है हमारे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।